तो हम आ चुके हैं हमारे WCC3 के हॉट इवेंट्स के इंडियन T20 टूर्नामेंट 2021 की सीरीज में, और आज का ये जो मैच है ये रहने वाला है दिल्ली वर्सेस राजस्थान का, और दिल्ली की टीम चूज करके हम खेलेंगे इस मैच को। फिलहाल यहाँ पर प्ले करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और दिल्ली की टीम यहाँ पर चूज करते हैं, और स्क्वाड यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हैं दोनों टीमों का। और फिलहाल यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है इस मैच की, दिल्ली वर्सेस राजस्थान का मैच, और दिल्ली के स्टेडियम में हो रहा है ये मैच। दिल्ली आज अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, तो जीतना तो यहाँ बिल्कुल बनता है, और हेड्स ही हमने आज चूज़ किया है और बॉलिंग का फैसला किया है हमने टॉस जीत कर, जो कि हम हर बार करते हैं क्योंकि वो ही हमारे मैचेस का या हमारी वीडियोस का फॉर्मेट रहता है कि हम ओपोनेंट टीम की जो बैटिंग इनिंग्स है उसे ऑटो प्ले कर देते हैं और सिर्फ खुद को चेज करते हुए दिखाते हैं। यहाँ पर फिलहाल लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन मौजूद है ओपनर्स में, और राजस्थान की टीम की तरफ से दोनों ओपनर्स आ चुके हैं। हमारी टीम की तरफ से एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आ चुके हैं, और काफ़ी कमाल के और काफ़ी अच्छे बॉलर हैं ये, काफ़ी सारे विकेट्स लेते हैं, और अपनी टीम की तरफ से तो इनका प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, पर हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि इस मैच में इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। और फिलहाल ऑटो प्ले करने का समय हो चुका है, और पूरे ऑटो प्ले के बाद यानी कि 20 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद राजस्थान की टीम का स्कोर है 124 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और सभी ने एक एक विकेट लिए हैं। दो बॉलर्स हैं जिन्होंने दो दो विकेट भी लिए हैं, पर जिनकी हमने बात की थी कि काफ़ी अच्छा इनका प्रदर्शन रहता है उन्होंने ही बस एक भी विकेट नहीं लिया है। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है अगले मैच में वो अच्छा प्रदर्शन करें, पर फिलहाल तो यहाँ पर हमारी टीम की तरफ से दोनों ओपनर्स आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन मौजूद है, और आज पता नहीं क्यों पर हमें ये लग रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन मौजूद हैं स्ट्राइकर एंड पर वो कुछ अच्छा खेल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पहली बॉल हो चुकी है और उस पर एक चौका भी मिल चुका है, और दूसरी ये बॉल डॉट रही, पीछे की तरफ हम खेलना चाहते थे, गली के फील्डर के ऊपर से खेलना चाहते थे, पर वो काम हो नहीं पाया। फिर से वही करने की कोशिश, और इस बार तो टाइमिंग कमाल की थी, पर इतनी तेज़ी से ये बॉल आउटस्विंग की, मतलब आउटस्विंग तो है ये बॉल, पर इतनी तेज़ी से बॉल ये बाहर की तरफ जा रही है कि बिल्कुल हम उसको पढ़ पाने में समर्थ नहीं रहे, और इस बार तो हमने बिल्कुल दिशा बदलने की कोशिश की अपने शॉट की, और ऑन साइड की तरफ हम शॉट खेलना चाहते थे, पर इस बार भी घूमी बॉल और कमाल की घूमी, और इस बार भी हम कनेक्ट नहीं करा पाए। यहाँ पर फिर से कोशिश करेंगे, टाइमिंग अर्ली नाइस ट्राई है और बिल्कुल मिलेगा एक चौका, और इस ओवर में अभी तक के 8 रन आ चुके हैं, 2 चौके लग चुके हैं और एक बॉल अभी भी बची हुई है, तो अगर इस बॉल पे भी एक चौका लग गया तो थोड़ा काम तो मज़ेदार हो जाएगा, कोशिश करेंगे फिलहाल। और ओहो हो टाइमिंग लेट है, पर बिल्कुल फील्डर को पार करेगी और 2 बाउंस यहाँ पर चौका, और वैसे तो हमने 1 बाउंस चौका ही कमेंटेटर्स को कहते हुए सुना है, पर फिलहाल यहाँ पर अब 2 बाउंस लगा है तो क्या किया जा सकता है। और 6 बॉल में 12 रन बना चुके हैं ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन, 3 चौके लगा चुके हैं, और हमने कहा था कि हमें लगता है कि आज वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो फिलहाल तो समय हो चुका है 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का, तो 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद हम देखेंगे कि कितने रन बनाए हैं इन्होंने, और बस विकेट ना चला जाए इनका। और अभी जो बैट्समैन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं उनका भी हम देखना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पर 113 रन चाहिए हमारी टीम को जीत के लिए, और 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद दोनों का ही विकेट जा चुका है, और जिनकी हमने एक भी बॉल नहीं खेली थी, मतलब जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे, और वो 0 रन बना करके गए हैं 2 बॉल में, और 22 रन बना करके गए हैं जिनकी हमने इनिंग्स खेली थी, यानी कि 10 रन और बना करके गए हैं। फिलहाल यहाँ पर पीछे की तरफ शॉट खेलने की कोशिश, टाइमिंग लेट है पर मिलेगा एक चौका, और 73 रन चाहिए यहाँ से मात्र जीत के लिए, और ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहने वाला ऐसा हमें अभी तक तो लग रहा है, बस विकेट ना चला जाए इसके बाद जो ऑटो प्ले हम करें, या अभी कोई विकेट ना चला जाए इस ओवर में। फिर से हम इस बार तो मिड विकेट के रीजन में, और कमाल का है ये शॉट, टाइमिंग गुड है और गुड है ये चौका भी, और इस ओवर में अभी तक के लगातार 2 चौके लगा चुके हैं ये बैट्समैन। जब हमने शुरुआत की थी इस ओवर की तब ये 4 बॉल में 4 रन पर खेल रहे थे, उसके बाद 2 चौके इन्होंने लगा दिए। इस बार फिर से पीछे की तरफ खेलने की कोशिश, और ओहो हो क्या कमाल का घूमे, और कितना कमाल का ये शॉट है, मतलब टाइमिंग इस बार भी लेट है,
पर ये तो हम बिल्कुल कहना चाहेंगे कि जैसे ही बॉल पड़ी और बिल्कुल बॉल को बस दिशा दिखाई वहाँ पर और ज़्यादा कुछ वहाँ पर जोर लगाने की कोशिश नहीं की या ताकत लगाने की कोशिश नहीं की, बस वहाँ पर दिशा दिखाई बॉल को और बॉलर की पेस का यूज़ किया। अब यहाँ पर फील्ड थोड़ी सी मुश्किल है, तो सामने की तरफ खेलने की कोशिश और टाइमिंग परफेक्ट है और मिलेगा एक छक्का और तीन चौके हम लगातार लगा चुके थे और इस फील्ड में खेलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हर बार हम डबल ले लिया करते हैं नॉर्मली, पर इस बार तो छक्के की कोशिश की हमने, फिर से सामने की तरफ खेला और फिर से छक्का लगाया और लगातार दो छक्के लगा चुके हैं अभी तक ये बैट्समैन। और हम यही कह रहे थे अभी कि इस फील्ड में हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है तो हम खेलने को कतराते हैं। यहाँ पर फिर से खेला हमने सामने और फिर से परफेक्ट है टाइमिंग, और थोड़ा सा अगर और परफेक्ट हो जाती तो छक्का हो जाता, पर ठीक है कोई बात नहीं। और जिस फील्ड में खेलने में हमें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा शॉट खेलना मुश्किल रहेगा या ये शॉट हम खेल पाते नहीं हैं, आज तो उसमें हमने और ज़्यादा ही कमाल कर दिया। खैर फिलहाल अब समय हो चुका है एक और 5 ओवर्स का ऑटो प्ले करने का और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 3.46 का हो चुका है। और 5 ओवर्स के ऑटो प्ले के बाद अब सीन कुछ ऐसा है कि ज़्यादा रन्स यहाँ से चाहिए नहीं, सिर्फ 8 रन चाहिए अगर हम सही हैं तो। और फिलहाल 114 रन हमारी टीम का स्कोर हो चुका है, 4 विकेट गिर चुके हैं और 9 रन चाहिए यहाँ से जीत के लिए बिल्कुल, और ये 9 रन बनाना यहाँ से कुछ मुश्किल होने नहीं वाला है। और ओके तो यहाँ पर अब हमारे टीम के कैप्टन का विकेट जा चुका है, पर कोई बात नहीं अभी फ़िलहाल वो बैट्समैन मौजूद हैं जिन्होंने कमाल के तीन चौके लगातार लगाए, फिर दो छक्के लगाए, फिर एक और चौका लगाए इसके पहले वाले ओवर में, और वो अभी फ़िलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर हैं तो उनको स्ट्राइकर एंड पर लेकर के आएंगे। और अभी जो स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है वो एक बॉलर है, तो पीछे की तरफ शॉट खेलने की हम कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि स्ट्राइकर एंड पर उनको लेकर के आ जाए। यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लिया हमने और वापस से स्ट्राइकर एंड पर आ चुके हैं ये बैट्समैन, और कोशिश करेंगे हम कि एक चौका लगाया जाए यहाँ पर। फिलहाल लॉफ्टेड शॉट और मिड विकेट के रीजन में खेलने की कोशिश, अर्ली टाइमिंग है और कैच वैसे होना चाहिए था यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए ही अच्छी है कि कैच नहीं हुआ। अभी एक चौका लग चुका है, सिर्फ 6 रन दूर हैं हम हमारे ओके। यहाँ पर फिलहाल एक चीज़ और हो चुकी है कि अर्धशतक पूरा हो चुका है इस बैट्समैन का और 5 चौके 2 छक्के, और टीम काफ़ी ज़्यादा खुश है इनके इस प्रदर्शन से क्योंकि मैच जिता दिया यहाँ पर इन्होंने अपनी टीम को। और ओहो ये तो कमाल का शॉट है और क्या बैटिंग किया जिन्होंने, 4 रन चाहिए थे और चौका मार कर ख़त्म किया इस मैच को। और इस मैच में जितना अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है इससे ये तो काफ़ी हद तक श्योर है कि आज के मैन ऑफ द मैच ये ही रहने वाले हैं, और 5 विकेट से इन्होंने हमारी टीम को जीत दिलाई और फिलहाल यहाँ पर मैन ऑफ द मैच ये ही हैं। और इतनी अच्छी इन्होंने इनिंग्स खेली 56 रन की मात्र 27 बॉल्स में।